हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। तो आज मेरे नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो दो तीन दिन से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे एक्चुअली, एक दो रीजन से। एक रीजन तो लास्ट का व्लॉग आपने देखा होगा, मेरी बाई नहीं आई, वो दो चार दिन नहीं आई थी। और एक्चुअली जोश मैंने काम तो कर लिया, बट उसके बाद मुझे काफी ज्यादा बैक हुई थी। मतलब तीन दिन तो मैं बेड पे ही रेस्ट करती थी, कुछ भी नहीं कर पाई। उसके बाद मेरी कुक के सब कुछ इश्यूज हो गए थे, उसका टाइम सूट नहीं कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा लेट आ रही थी और इवनिंग में भी टाइम मैच नहीं कर रहा था, तो मुझे उसको भी चेंज करना पड़ा। सो एक वो भी एक रीज़न था। सफाई वाली भी नहीं आई थी। और तीसरा कि हमारे जो ऊपर वाला फ्लोर है वहाँ रेनोवेशन चल रही है, और वहाँ पर दो दिन तो इतनी तोड़फोड़ होती रही कि मतलब शूट करना तो क्या, मेरा बैठना है मुश्किल हो गया था, तो कुछ भी शूट नहीं किया। तो आज थोड़ी सी आवाज़ भी कम आ रही हो, बीच बीच में आपको आवाज़ आएगी, बट चलो जितनी आई होती आप बेयर कर लोगे। तो करते हैं नए दिन की शुरुआत। सो दिन की शुरुआत होनी चाहिए भगवान के आशीर्वाद के साथ। तो अब शुरू करते हैं एडिटिंग। कुछ व्लॉग्स मेरे पास मैंने शूट भी कर रहे थे, बट मैं उसको एडिट कर ही नहीं पाई क्योंकि बहुत ज्यादा पेन हो रही थी। तो अभी पहले एडिटिंग करते हैं, उसके बाद कुछ काम है वो भी करेंगे। तो शुरू करते हैं एडिटिंग। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी एडिटिंग, और अब मैं साथ में ले रही हूँ फ्रूट्स, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग ना, मतलब पहले एटलीस्ट मैं अपना ही बताऊंगी, बाकी को तो मैं बता नहीं सकती, मुझे फ्रूट्स इतने ज्यादा पसंद तो कभी थे नहीं। बट अब मुझे लगता है कि बाद में मेडिसिन खाने से बेटर है फ्रूट्स खा लो। अब मैं थोड़े खुश होकर फ्रूट्स खाती हूँ। तो फ्रूट्स को खाते खाते करते हैं एडिटिंग। तो अभी हो रहा है लंच टाइम। तो आज मैंने लंच में बनवाया अपने लिए वेज सुक्का। तो मेरा तो फेवरेट लंच है, या डिनर, मोस्टली मैं डिनर में, पर आज मैंने लंच में बनवा दिया था। अदरवाइज मोस्टली मैं डिनर में ये प्रेफर करती हूँ कि सूप, मुझे कुछ सूप भी डिनर में चाहिए होते। तो करते हैं एंजॉय अपना लंच। तो अभी चलते हैं बाहर, मुझे थोड़ा सा काम था, कुछ ऑल्ट्रेशन करवानी है कपड़ों की। तो अभी निकलते हैं फिर बाहर काम पे। वहाँ से आके मुझे बहुत सारे सामान की अनबॉक्सिंग करनी है कुछ मैंने मंगवाया था, फिर आके दिखाऊंगी मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। मुझे खुद भी याद नहीं मैंने क्या क्या मंगाया था। तो अभी पहले चलते हैं कुछ कपड़ों की जो ऑल्ट्रेशन करवानी है वो करवा लेते हैं, फिर आके मैं करूंगी इसको अनबॉक्स। सुबह से पहले सोचे अभी जाती हूँ, बट मेरा मन नहीं कर रहा था घर से निकलने का। कभी कभी होता है ना, आलस फुल चल रहा होता है, आपका मन ही नहीं करता कि आप कुछ और करो, और ये शोर भी शुरू हो गई। इसकी वजह से आजकल मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता कि पूरे दिन पे, और मैं कल चेक करने गई थी, आई थिंक इट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 months इनकी पूरी रेनोवेशन में। तब तक मुझे लगता है तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी क्योंकि इतनी शोर चल रही है। बट चलो मैनेज तो करना पड़ेगा, तो निकलते हैं। तो अब करते हैं अनबॉक्सिंग। जो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए थे, एक तो मैंने कुछ क्लीनिंग स्लाइम मंगाई थी अपने मैकबुक की ना, उसकी कीस में बड़े सारे डस्ट फंस जाते हैं, मुझे बाहर निकलती नहीं है। मैं ब्रश से भी कोशिश करती हूँ, तो मैंने नेट पे देखा, मुझे लगा मंगाती हूँ, उसकी मैं रिव्यूज भी शेयर करूँगी कि ये काम करती है, सिर्फ नाम की है। ठीक है, एक ये था एक्चुअली, इनके लिए ऑनलाइन ऑर्डर के सारा से ना ब्लेजर सेट ऑर्डर किया था, लेकिन इस बार सेम मेरे को पीछे 2-3 ऑर्डर से मैं कंप्लेन कर रही हूँ, फिर से मैंने कंप्लेन करी है। पूरा का पूरा देखोगे ना, ये पूरी टेप जो टेम्पर्ड होके आई, नॉर्मली ऐसी टेप आती नहीं है, पूरा प्रॉपर पैक आता है, बड़ी अच्छी से पैकिंग है। बट स्टिल अब मैंने अभी कंफर्म किया अभी उस कस्टम केयर से बात करके, तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई जिससे मुझे ये पता चला कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है। मुझे लगा कि मे बी कोई ऐसा ना होता हो कि आपको ड्यूप्स मिल रही हैं, आप ओरिजिनल के लिए पे कर रहे हो, बट उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें करने का बोली कि मैंने क्रॉस चेक किया तो एटलीस्ट ये ओरिजिनल प्रोडक्ट ही है। बट मुझे रीज़न समझ नहीं आ रहा, कोई इतना वेला इंसान कैसे हो सकता है कि जो हर बार आपका पैक खोलेगा, अनओपन करके देखता है, और फिर सब सामान रख भी देता है। मतलब ऐसे ही लोग, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों करते हैं, बट चलो जो भी हुआ तो होगा। तो ये है इनका ब्लैक, इसको करने में मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आता क्योंकि मेरे काम की चीज़ नहीं, बट मुझे लगा कुछ अच्छा है तो शेयर कर लेती हूँ। तो ये फॉर्मल पेंस जैसे होती हैं ब्लैक, और ये है लेजर सेट, अब जो शोर ऊपर से आ रही होगी ना उसको अवॉइड कर लेना प्लीज। ध्यान से देखोगे सारा का जो भी जो फैब्रिक, खासकर समर्स में पहनने के अकॉर्डिंग ना, ये बड़ा ब्रीदेबल फैब्रिक होता है, आपको गर्मी नहीं लगेगी इसमें। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो काफ़ी अच्छी चॉइसेस रहती हैं, बड़े लाइट वेट से होते हैं और बड़े एरी होते हैं, तो आप आराम से पहन सकते हो उनको समर्स में। तो इसका रिव्यू हो चुका है खाली, और इतनी सारी चीज़ें लाई थी मैंने, कुछ भी खोल के देखा नहीं जब से घर पे, मुझे लगा ठीक होंगी फिर देखूंगी, तभी इतना सब हो गया। और मैं क्या मंगाया था मुझे याद भी नहीं था, अब यूज़ करके इसका भी रिव्यू दूंगी क्योंकि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। अब मुझे पता भी नहीं क्या क्या आया, क्योंकि 2-3 दिन से ना पास जैसे लाके रखे हुए हैं, तो मैं तो ठीक थी नहीं, तो किसी ने ओपन तो किया ही नहीं इसको, ये सब कुछ खुला रहा, तो मुझे लगा क्यों यार अनबॉक्सिंग ही की जाए मेरे काम को कुछ भी नहीं है इसमें। ये है जेलेट फ्यूजन 5, अगर जो मैन ग्रूमिंग करते हैं ना तो बेस्ट ब्लेड्स है,
आई थिंक ये कितने का सेट आते हैं, मतलब शायद मुझे ये 2300 MRP, अभी ऑफ पे शायद 1600 या 1700 का पैकेज पड़ा है। 10 ब्लेड्स हैं, बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी के ब्लेड्स हो सकते हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। वैसे पेड प्रमोशन नहीं है, मैं तो अभी लिख रही हूँ कि मेरे को कुछ मन नहीं है करने का, मैं बाहर जाकर शूट करूँ, फिर अगर ऑप्शन है तो आज यही से ब्लॉग पर डालते हैं। तो जिलेट का फ्यूजन 5 काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप दे सकते हो। ठीक है, वो दिन भी आए जब मैं भी ऐसे पेड प्रमोशन कर रही हूँ। अच्छा, ये भी हो गया। इस पैक में क्या है मुझे खुद नहीं पता, अभी देखती हूँ। एक्चुअली ऑर्डर तो मैंने ही किया होता, बट अभी थोड़ा सा बीमार थी ना, तो याद नहीं क्या क्या आया, क्या क्या नहीं आई चीज़ें। अब देखती हूँ क्या आया इसका। गार्बेज बैग, ठीक है, तो घर में अगर आपको गार्बेज बैग चाहिए तो इसका सेट आता है, ये है जीवन गार्बेज का ना, 4 का पैक आता है, आई थिंक 200 समथिंग का आता है, तो काफ़ी टाइम निकल जाता है आराम से। एक में 30 होते हैं, तो एटलीस्ट 2-3 महीने तक के आराम से निकल जाते हैं, 2 महीने तो आराम से। तो मस्ट है वे किचन के लिए, तो ये चाहिए तो आप इसको भी ले सकते हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। यही सब था मेरे आज इसमें था। हाँ, एक और चीज़ आई है, मैंने अभी खोली नहीं है, वो भी ये पार्सल थोड़ा सा बड़ा है और उसको हैवी भी है, मुझे भी याद नहीं था हैवी मैंने क्या मंगा लिया था, मैं भूल भी गई हूँ करके। अभी बताती हूँ कि मुझे खुद भी याद नहीं मैंने क्या ऑर्डर किया था। एक्चुअली मैंने ना मेरी वॉशिंग मशीन मैंने आपको दिखाया था कि मैंने बालकनी में रखी हुई है, तो कभी बारिश भी आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, या कभी उसको मूव करना होता है सफाई के लिए, उसका स्टैंड है, कैसे निकालूं। तो फाइनली 10 मिनट की मेहनत के बाद खोला, इतनी मुश्किल से मैंने उस पैक को बाहर निकाला ना, इतना कॉम्पैक्ट। तो अब इसका रिव्यू मुझे लगा कि मैं थोड़ा आराम से डिटेल रिव्यू दूंगी, इसमें मैं आराम से नीचे बैठ गई, क्योंकि हैवी भी है तो मुझे नीचे रख के दिखाना है आपको वेदर ये काम करता है नहीं करता है। तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। अब कैसे खुलेगा, हाँ आई थिंक इसको अब शायद दिख रहा होगा, ये जो एक्सटेंड जो है ये ऐसे करके एक्सटेंड हो जाएगा जितना आपको चाहिए, और इसको स्क्रूज को यहाँ से टाइट कर दोगे ये वाले स्क्रूज को, तो ये टाइट भी हो जाएगा उसी तरह से। ये इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हो और इसी तरह ब्रेथ को भी बढ़ा सकते हो उसकी, ये स्क्रूज को ढीला करना है, तो जितने आपके डायमेंशन है वॉशिंग मशीन के उसके अकॉर्डिंग इसको करोगे। क्वालिटी वाइज तो ठीक लग रहा है। अब आई थिंक इससे इसका कुछ लॉक होगा, इसका टायर्स को लॉक करने का सिस्टम होगा, फिर एक बार इंस्टॉलेशन जब मैं करूँगी आपको तब बताऊँगी कि ये उतना वेट उसका ले पाती है। ऐसे लग तो रहा है मुझे कि अच्छे बिल्ट है इसका, ये उतना वेट आराम से कैरी कर लेगी। वैसे आज के व्लॉग में तो बाकी तो मैं बाहर गई नहीं, बट उसके अलावा मैंने आपको काफ़ी सारी अनबॉक्सिंग दिखाई, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और कुछ एक आधी चीज़ और भी आई थी जो मैंने व्लॉग में नहीं डाला, जो कल के व्लॉग में आएगा, और वहाँ मैं फुल रिव्यूज़ भी डालूंगी चीज़ की। तो मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ।